गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं रिवीजन में एक्सरसाइज चैप्टर टू का रिवीजन कर रहे हैं वापस से। तो देखो, आपको पहले तो मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना, जैसे 2/2, 3/4 है। अब ये कौन सी है? मिक्स फ्रैक्शन है। कौन सी है? मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब आप उसको चेंज करो सिंपल फ्रैक्शन में। किस में चेंज करोगे? सिंपल फ्रैक्शन। सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए आपको नीचे वाले नंबर को साइड वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है, यानी 4 × 2, 4 × 2 = 8। 8 में 3+ करो 9, 10, 11/4। ये हो गया आपका सिंपल फ्रैक्शन। लेकिन अगर मैंने बोला 7/2, अब मैंने बोला कि इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करो, यानी ये आपकी आ गई है सिंपल फ्रैक्शन। क्या आ गई है? सिंपल फ्रैक्शन है। अब आप उसको चेंज करना है किस में? मिक्स्ड में। तो मिक्स में चेंज करने के लिए आप 2 से नीचे वाले नंबर से ऊपर वाले नंबर को डिवाइड कर दो, यानी ऊपर वाला नंबर अंदर, नीचे वाला नंबर बाहर। अब 2 × 3 = 6, 1 बचा, यानी जितने टाइम डिवाइड हुआ वो लिखा ऊपर, रिमाइंडर जो बचा है साइड पर लिखा, रिमाइंडर लिखा है ऊपर, और जिससे डिवाइड किया वो लिखा नीचे। तो ये हो गया 3/1/2। ये हो गया आपका मिक्स फ्रैक्शन का सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना। एक होता है एलसीएम निकालना। एलसीएम निकालने के लिए जैसे आपका 5 का निकालना है और 4 का निकालना है, तो आप इसके फैक्टर कर दो। फैक्टर जैसे 2 से डिवाइड करो, 5 जो डिवाइड नहीं होता है वो नंबर एज इट इज लिख दो, और 2 से 4 डिवाइड हो रहा है, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 times। आप 2 से डिवाइड करो, 5 नहीं जाता, 2 × 1 = 2। 5 से 5 डिवाइड करो 1 time। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 2 × 5, 2 × 2 = 4, 4 आया। 4 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 4 × 5 = 20। तो ये हो गया हमारा एलसीएम निकालना। अब इन्हीं के बेस पे आपके सारी एक्सरसाइज है ये आपकी फ्रैक्शंस वाली। जैसे आपको लिखा है 1 + 1/2 and 3/4, इसको आपको प्लस करना है। तो आप सिंपल प्लस तो कर ही नहीं सकते क्योंकि ये फ्रैक्शन में है, तो आप इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम जिस तरह से मैंने बोला उसी तरह से ले लो आप। 4 आएगा इसका, 2 से 4 को डिवाइड किया तो करके देखो, 2 से 4 को 2 × 2 = 4, कितने टाइम्स गया? 2 times। तो जितने टाइम्स गया उसको उसी ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 2 को 1 से किया, 2 × 1 = 2। प्लस 4 से 4 को डिवाइड किया तो देखो कितने टाइम्स जा रहा है, 1 time। तो इसको ऊपर वाले नंबर को किया 1 से मल्टीप्लाई, यानी 3 × 3। अब दो ये दोनों नंबर के बीच में प्लस है तो प्लस कर दो, 3 × 2 = 5/4। और आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज कर दो, 4 से 5 को डिवाइड करो, 4 × 1 = 4, 1। तो यानी कितना बचा? 1, 1/4। ये हो गया आपका मिक्स फ्रैक्शन। लेकिन उससे पहले अगर आपको कटता है तो पहले आपको काटना पड़ेगा। ऐसे ही देखो, अगर मैंने लिखा 3/4 − 1/2, तो माइनस करना है। एलसीएम लिया 4, 4 से 4 को डिवाइड किया 1 time, यानी 3 × 3। 2 से 4 को डिवाइड किया, 2 × 2, 2 × 2 = 4, 2 times × 2, यानी 2 × 2। अब 3 में से 2 गया 1, तो आंसर आया 1/4। ये हुआ आपका फ्रैक्शन वाले नंबर ऐड या सब्ट्रैक्शन में। लेकिन अगर आपको कोई नंबर यूं दिया हो 1/2 + 1/4, यूं दिया आपको, तो आपको अगर मिक्स फ्रैक्शन में कोई नंबर है तो आप उसको चेंज करोगे पहले सिंपल फ्रैक्शन में। प्लस 4 × 4, 4 में 1 प्लस किया, 5/4। क्लियर है? अब आप देखो इनका एलसीएम ले लो। अब बाकी तो सेम उसी तरीके से करना है। एलसीएम लिया, 4 आया, 2 से 4 को डिवाइड किया, 2 times गया, तो 2 × 2। 4 से 4 को डिवाइड किया, 1 time गया, 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 × 5। अब दोनों के बीच में प्लस है तो प्लस कर दो और माइनस है तो माइनस। हमारा कितना आ रहा है यहाँ पे? प्लस है तो हमने प्लस कर दिया, और अगर माइनस का निशान हो तो फिर आप माइनस करोगे। अब 4 से डिवाइड कर दो तो 4 × 4, कितना रिमाइंडर बचा? 5, 6, 7, 3 बचा, 3 ऊपर लिखा और नीचे लिखा 4। तो ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन में आ गया। यानी ये हो गए आपके ऐड और सब्ट्रैक्शन फ्रैक्शन में, सिंपल फ्रैक्शन में या फिर मिक्स फ्रैक्शन में। अब है मल्टीप्लाई के लिए।
मल्टीप्लाई के लिए जैसे आपको लिखा हो 2/7 of 63 ये लिखा है, तो आप इसके नीचे 1 लगाओ। अब आप करो 2/7 जहाँ पे भी ऑफ लिखा है उस जगह मल्टीप्लाई का साइन और बाकी डिजिट सेम। अब आप क्रॉस में देखो, कटता है तो क्रॉस में काट दो, यूं कटता है तो यूं काट दो, यूं कटता है यूं काट दो, या फिर ऊपर नीचे काट दो। देखो 7 और 63 एक टेबल में आते हैं, 7 की टेबल में। 7 1 जा 7 और 7 9 जा 63 हो गया। अब 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 9 2 जा 18 नीचे आया 1 और ये कट के 1 आ गया, तो 1 1 जा 1। अब नीचे 1 कभी नहीं लिखते आंसर में, आंसर में केवल माना जाएगा 18, लेकिन अगर ऊपर 1 है तो फिर लिखा जाएगा ऊपर 1, ठीक है। अब मान लो उसने इस तरह से ना देखे, उसने सीधा दे दिया 2/7 × 63 यूं दे दिया, उसने ऑफ नहीं लिखा, तो आपको तो बढ़िया है, उसमें आपको ऑफ को मल्टीप्लाई में बदलते हो, यहाँ तो पहले से ही मल्टीप्लाई में है, तो आप नीचे लगा दो 1। अब आप इसको जैसे कटता है काट दो, जैसे 7 1 जा 7 7 9 जा 63। अब 9 को 2 से क्या, 9 2 जा 18 अपॉन 1 1 जा 1 यानी आंसर 18। यानी डायरेक्ट मल्टीप्लाई में हो, चाहे ऑफ लिख के लिखाओ, ऑफ को लिखोगे तो मल्टीप्लाई में साइन कर दोगे, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई की तरह ही करोगे आप सीधा। आगे आता है, मान लो ये भी मिक्स फ्रैक्शन में आ जाए, यह आ जाए 2/7 × 1/3/4 जो आ जाए, तो आप क्या करोगे, पहले मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल में चेंज करोगे, उसके बिना ना मल्टीप्लाई होगा, ना ऐड होगा, ना सब्ट्रैक्शन होगा, ना डिवाइड होगा। अगर मिक्स फ्रैक्शन दिया है तो आप उसको पहले सिंपल में चेंज करो, तो 4 1 जा 4, 4 में 3 प्लस किया 5 6 7 7/4 कटता है तो काट दो, जैसे देखो 7 1 जा 7 7 1 जा 7 दोनों 7 की टेबल में आ रहा है। देखो इधर से क्रॉस में 2 और 4 2 की टेबल में आ रहा है, 2 1 जा 2 और ये 2 की टेबल में आ रहा है, 2 2 जा 4। अब आंसर देखो कितना आएगा, ऊपर बचा इधर भी 1 इधर भी 1 यानी 1 1 जा 1, इधर बचा 2 और इधर बचा 1, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2 ये आ गया 1/2। अब आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज नहीं कर सकते, इसलिए यही रहेगा, और अगर होता तो हम कर लेते। ये होते हैं आपके क्वेश्चंस जो आपके फ्रैक्शन में है, ऐड है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लाई है, एक है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल जैसे आपको लिखा है 1/5, इसका रेसिप्रोकल निकालना है, तो रेसिप्रोकल निकालने के लिए क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं 5/1। मैंने बताया आपको नीचे 1 नहीं लिखा जाता है, तो 1/5 का रेसिप्रोकल हो गया 5। क्लियर। अगला बाकी जो है आपको डिवीजन जो है वो आपको मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी, ये आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा और पेपर की तैयारी करते रहिए। थैंक यू।